जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लैब पर। जी हाँ दोस्तों, दिन हो गया आज का 8 अक्टूबर 2019 मंगलवार का। और दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज अपडेट्स इंडिया को लिखकर बीसीसीआई बड़ी और सिलेक्टेड काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार ने की है 10 बड़ी घोषणा, बड़ी खुशखबरियां दी है। उसी के साथ दोस्तों कुछ नए नियम रूल्स रेगुलेशन है। 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा अपडेट आया है सरकार की तरफ से। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है तो बहुत ही बड़ी खबर है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके घर पर कोई भी कन्या है यानी कि लड़की है, पुत्री है, तो दोस्तों उसको मिलेंगे पूरे 51,000 रुपए सीधे बैंक खाते में। तो एक एक करते हुए जानेंगे सभी बड़ी खबरों की। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखते रहिएगा। अच्छा शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आप अपने चैनल द न्यूज लैब पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे दिया गया छोटा सा एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबाकर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पास में एक दोस्तों छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा घंटी का आइकन है, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर कर पाएंगे। अच्छा आज की पहली बड़ी खबर है दोस्तों कि बैंक डूबने के बाद आपको मिल सकती है और भी ज्यादा रकम। SBI बदले हैं नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि PMC बैंक के मामले में डिपॉजिटर्स को ऐसे किसी वाकये के सामने आने पर कि उनका पूरा पैसा डूबन का डर सता रहा है। अब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर के तहत आपके बैंक खाते में चाहे कितने ही रुपए जमा हो, लेकिन दोस्तों अगर बैंक बंद हो जाता है, बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको मिलेंगे सिर्फ 1,00,000 रुपए। तो इसी को लेकर भारतीय स्टेट बैंक का कहना है कि बैंक में जितनी रकम है दोस्तों उसका 1,00,000 रुपए देना तो बहुत ही कम है, इसके लिए जल्द ही एक नया कानून बनाया जाएगा। अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों कि दिवाली तक 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल को लेकर यहाँ पर सरकार ने कुछ बड़ी खुशखबरी दी है। और इसका कारण है दोस्तों कि कच्चे तेल की कीमत में कटौती होना। इस कटौती के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 1 रुपया प्रति लीटर कटौती देखने को मिल चुकी है। और खास बात यह है कि करीब 3 हफ्ते बाद यानी कि दिवाली के आसपास पेट्रोल 3 रुपए से लेकर 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। अच्छा अगली खबर है दोस्तों कि LIC के इस स्कीम में जमा करवाओ 121 रुपए और साथ ही दोस्तों कि बेटी की शादी और पढ़ाई का खर्च, इसके लिए सरकार की तरफ से यानी कि LIC की तरफ से 27,00,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कितनी मतलब एक बड़ी पॉलिसी निकाली है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की तरफ से, जिसका नाम है जीवन लक्ष्य पॉलिसी। इसमें मात्र 121 रुपए हर रोज के निवेश के हिसाब से 25 साल में बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए 27,00,000 रुपए जो है वो LIC की तरफ से दिए जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये LIC की स्कीम है, कोई लल्लू बंजू छोटी मोटी इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम नहीं है। आप भी अगर इसमें इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आप अपने एजेंट से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा अगली खबर है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स को आ रहा है अगर मैसेज तो हो सकता है भारी नुकसान है। जी हाँ, फेस्टिव सीजन के इस समय हर जगह पर आपको ऑफर्स, डील्स और डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड पर आपको SMS और ईमेल के माध्यम से ग्राहकों को इन डिस्काउंट के बारे में जानकारी भी दे रही है। तो आपको बता दें, कार्ड पर कैश बैक का ऑफर भी मिल रहा है और एक इस ऑफर के तहत क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने के बाद सामने आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड पर कैश निकालने जैसा जो मैसेज है वो कुछ फर्जी हो सकता है। जब तक बैंक की तरफ से ऑफिशियल कोई भी मैसेज नहीं आता ना दोस्तों, तब तक किसी भी योजना के बारे में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो सकता है। अच्छा अगली खबर है, मोदी सरकार ने ढूंढी तरकीब, किसान होंगे मालामाल, कुछ ही दिनों में कमाई हो जाएगी दुगुनी। जी हाँ दोस्तों, कोऑपरेटिव से जुड़े करीब 13 करोड़ किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकार को कोऑपरेटिव सोसाइटीज के किसानों से बने प्रोडक्ट के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म देने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, अभी तक किसानों के प्रोडक्ट अलग अलग तरह से एक्सपोर्ट होते रहे हैं और छोटे किसानों को इसमें दिक्कत आती थी। तो सरकार इस समस्या का हल निकालने के लिए कोऑपरेटिव एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाने जा रही है, जिसमें दोस्तों किसानों के खेती से जुड़े हर प्रोडक्ट जो है वो एक साथ कॉर्पोरेट लेवल यानी कि बिजनेस लेवल पर आप उसे बेच सकते हैं। इससे दोस्तों होने वाला जो मार्जिन है वो भी डबल हो जाएगा। वहीं दोस्तों त्योहारी सीजन में SBI का ग्राहकों को दिया गया है बड़ा तोहफा, लॉन्च किया EMI डेबिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, कितने बड़े खुशखबरी है दोस्तों। अगर आपका भी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक यानी कि देश के सबसे बड़े बैंक में है, तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी और शानदार खुशखबरी निकाली है कि इसके अंतर्गत SBI का जो डेबिट कार्ड है दोस्तों, वो सेम क्रेडिट कार्ड की तरह आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपके डेबिट कार्ड में 5,000 रुपए जमा है, लेकिन आप अगर 1,000 रुपए की किस्तों में कोई 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो SBI उसके लिए अप्रूवल दे देगा। यानी कि आप किस्तों में भी पेमेंट कर सकते हैं। EMI डेबिट कार्ड जो है वो निकाला है बैंक की तरफ से। अच्छा वैसे आपका अकाउंट कौन से बैंक में, आप हमें जरूर बताएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। अच्छा अगली खबर है दोस्तों कि आधार कार्ड को लेकर कोई अगर है परेशानी तो आप भी कर सकते हैं शिकायत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आधार कार्ड को लेकर कोई भी शिकायत आप UIDAI के पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीफोन, ईमेल या पोस्ट के जरिए भी शिकायत की फाइल की जा सकती है। बस ध्यान रखें कि अगर आपकी शिकायत ऑपरेटर या फिर एनरोलमेंट एजेंसी से है तो आपको अपने एनरोलमेंट ID प्रोवाइड करवानी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको आधार जनरेट करने से संबंधित कोई भी शिकायत है तो दोस्तों आप आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों www.uidai.gov.in पर जाना है और वहाँ पर कॉन्टेक्ट एंड सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उसमें फाइल कंप्लेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अच्छा अगली खबर में जानते हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो यहाँ पर दोस्तों आज पेट्रोल 15 पैसे सस्ता होकर 73.89 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल भी 12 पैसे सस्ता होकर 67.03 रुपए प्रति लीटर पहुँच चुका है। अच्छा अगर सोने चांदी के भाव की बात करें तो सोना 150 रुपए गिरकर
39,270 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि दोस्तों चांदी भी 300 रुपए महंगी होकर 46,750 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है। अच्छा, अगली बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। समय से 2 साल पहले मिल सकेगा हर भारतीय को अपना घर, सरकार ने किया है बड़ा वादा। दरअसल आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा है कि प्रत्येक भारतीय को अपना घर उपलब्ध करवाने के सरकार के लक्ष्य को 2 साल पहले यानी कि 2020 में ही हासिल कर लिया जाएगा। अब मात्र 2020 तक सभी लोगों के पास अपना खुद का घर बना होगा। कोई भी व्यक्ति किराए के मकान में नहीं रहेगा या फिर कोई भी व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहेगा। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना को भी कुछ लिबरल किया गया है। दोस्तों इसमें 2,67,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। तो वैसे दोस्तों आपका खुद का पक्का मकान बना हुआ है या नहीं? अगर नहीं बना हुआ है तो दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अगली खबर है दोस्तों, सिर्फ 1 लाख रुपए लगाकर शुरू करें यह बिजनेस, हर महीने होगी 15,000 रुपए की कमाई। कितनी अच्छी और कितनी शानदार खबर है कि मात्र 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आप 15,000 रुपए की हर महीने की कमाई कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत काफी फोकस किया जा रहा है और इस मिशन के अंतर्गत सरकार नए बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन भी देती है। तो यहाँ पर दोस्तों कि मात्र 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ एक ऐसा बिजनेस निकल कर आ रहा सामने जिसके अंतर्गत दोस्तों आप 14 से 15,000 रुपए की इनकम हर महीने कर सकते हैं। दरअसल मेटल से बनने वाले प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तहत कटलरी से हैंड टूल और यहां तक कि खेती के काम आने वाले कुछ टूल भी बनाए जा सकते हैं और कटलरी की डिमांड तो हर घर में है दोस्तों। ऐसे में आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ बेहतर मार्केटिंग के तुरंत बाद ही अपने बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अगर 1 लाख रुपए भी आपके पास नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपको बता दें दोस्तों कि यहां पर सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत आप 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं लोन के अंतर्गत। अच्छा, अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती शारीरिक परीक्षा में गर्भवती महिलाओं को मिलेगी विशेष छूट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बड़ी राहत दी है। पिछले साल हुई बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में गर्भवती महिला अभ्यर्थी की तरफ से सुनवाई करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए पुलिस बल में महिलाओं की मौजूदगी अहम है और ये समय की जरूरत भी है। तो हमें लगता है कि पुलिस सेवा में महिलाओं की मौजूदगी के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। मतलब कि पुलिस भर्ती परीक्षा में अगर कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसकी शारीरिक परीक्षा जो है वो 2 महीने के बाद फिर से करवाई जा सकती है दोस्तों, एक बार फिर से उनको मौका दिया जा सकता है। अच्छा, अगली खबर दोस्तों की सड़क दुर्घटना के पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे पैसे और सर्टिफिकेट। अगर आप दिल्ली में हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अच्छी और काम की है। दरअसल साल भर में औसतन 1.5 लाख लोगों की जान रोड एक्सीडेंट में हो जाती है और दिल्ली में हर साल करीब 1500 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में जाती है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने एक ऐसी योजना शुरुआत की है। जी हां दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं केजरीवाल सरकार की। इसमें दिल्ली की सीमा के भीतर हुए किसी भी रोड एक्सीडेंट या फिर बर्न के पीड़ित को फ्री इलाज दिया जाएगा और साथ ही इस स्कीम में अस्पताल के बिल की न तो कोई ऊपरी सीमा है और न ही सरकारी अस्पताल की बाध्यता। उसके साथ दोस्तों की लोग पुलिस या पूछताछ या फिर हॉस्पिटल के खर्च में आने वाले पैसे से डरकर या फिर दोस्तों पुलिस के द्वारा जो पूछताछ किया जाता है उससे घबराकर लोग जो है वो पीड़ित आदमी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते थे, उसको शिफ्ट नहीं करते थे। इसके चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। तो इसी को लेकर केजरीवाल सरकार की तरफ से बताया गया है कि दोस्तों जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में पीड़ित को अगर हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो उसको अच्छा खासा इनाम भी मिलेगा और साथ ही दोस्तों सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कानून व्यवस्था ठीक होने पर जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा। अमित शाह की तरफ से किया गया है बड़ा ऐलान है। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है देश में कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर से अपना और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों राजस्थान बोर्ड को लेकर कि लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ाई गई योग्यता पुरस्कार की राशि, अब मिलेंगे 51,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जाने वाली एकल व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें बोर्ड के सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर इस पुरस्कार की राशि को 31,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। यानी कि राज्य स्तर के सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षा में दी जाने वाली पुरस्कार राशि 21,000 रुपए पहले थे उसे बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दिया है और जो पहले इनाम की राशि 5,000 रुपए थी उसे बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दिया है। और दोस्तों पुरस्कार राशि का जो भुगतान है वो बालिकाओं के खाते में ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा। अच्छा, अगली खबर है दोस्तों कि दीपावली में पूरे प्रदेश को मिलेगी 24 घंटे बिजली। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दीपावली में बाजारों की रौनक बरकरार रखने के साथ ही पूरे प्रदेश के हर गांव को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति देने लगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के इंतजाम भी किए हैं। तो इसी को लेकर दोस्तों बड़ी खुशखबरी दी है सरकार की तरफ से कि दीपावली के समय 24 घंटे बिजली की व्यवस्था मुहैया करवाई जाएगी। अच्छा, अयोध्या को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस बार होगी सबसे भव्य दीपावली, 5 लाख दीपों से जगमगाएगी राम की नगरी। आपको बता दें दीपावली के बाद उच्चतम न्यायालय की अयोध्या की विवादित जमीन का फैसला आने की उम्मीद को देखते हुए इस बार राम नगरी का दीपोत्सव नए कलेवर में होगा जिसके तहत पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया जाएगा। दोस्तों आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बने अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और विशाल मंदिर, तो वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जय श्री राम कमेंट्स कीजिएगा और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज लैब पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।
जय हिंद जय भारत।